गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 12B। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। यहाँ हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 5 रुपीज़ 25 पैसे है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, रुपीज़ को हम आगे लिखेंगे और 5.25। अब देखिए, 5 तो हमारा रुपीज़ हो गया और पॉइंट के बाद जो नंबर हमने लिखा है वो हमारा पैसे हो गए, ठीक है। लेकिन जब हम इसे प्रोनाउंस करेंगे, जब हम इसे पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे 5 रुपीज़ 25 पैसे, क्योंकि कभी भी रुपीज़ 5.25 पैसे ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 12 रुपीज़ 20 पैसे। तो हम रुपीज़ को पहले लगाएंगे और 12.20 55 पैसे। यहाँ देखिए, रुपीज़ 0.55 पैसे, तो 0 रुपीज़ 55 पैसे। यहाँ भी देखिए, 99 पैसे कैसे लिखेंगे, रुपीज़ 0.99। देन 200 रुपीज़ 10 पैसे। यहाँ भी देखिए, रुपीज़ आप पहले लिखेंगे 200.10, तो आपका पॉइंट के बाद वाला जो नंबर हमने लिखा है वो हमारा पैसे में है। तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे, 200 रुपीज़ 10 पैसे। लेट्स सी एक्सरसाइज 12C, कन्वर्ट इनटू पैसे। यहाँ हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। तो 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। तो 4 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, 4 × 100 = 400, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 8 रुपीज़ इक्वल टू 8 × 100, तो 800 पैसे हो जाएंगे। थर्ड वन देखिए, 20 रुपीज़ इक्वल टू 20 × 100 = 2000 पैसे। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू पैसे। यहाँ भी देखिए, आपको पैसे में ही कन्वर्ट करना है। यहाँ भी आपने पैसे में ही कन्वर्ट किया है। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ देखिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे अब इसके पहले हमने क्वेश्चन आपको बताया है। तो 5 रुपीज़ को कन्वर्ट करना है पैसे में। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, 5 × 100 = 500 पैसे। देन क्वेश्चन नंबर 2, 7 रुपीज़ 75 पैसे। यहाँ देखिए, 75 पैसे, ये तो हमारा पैसे में ही है। तो 7 रुपीज़ को हम कन्वर्ट करेंगे पैसे में और 75 पैसे को हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, 7 × 100 + 75 पैसे, 700 + 75 = 775 पैसे हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 3, 8 रुपीज़ 5 पैसे। अब यहाँ देखिए, 5 पैसे तो पहले से ही कन्वर्ट है, पैसे में ही है। 8 रुपीज़ को हम कन्वर्ट करेंगे पैसे में और इसे हम ऐड कर लेंगे, 5 पैसे को हम ऐड कर लेंगे। तो 8 × 100 + 5, 800 + 5 = 805 पैसे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, 95 रुपीज़। इसे भी हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। तो 95 × 100 = 9500 पैसे। देन क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट इनटू रुपीज़। यहाँ हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो 100 पैसे = 1 रुपी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 600 पैसे = हम 600 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर है 6 रुपीज़। देन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 205 पैसे। इसे भी हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए कैसे हम डिवाइड करते हैं, 205 / 100, 100 2 ज़ा 200, माइनस किया हमने, 5 − 0 = 5, 2 2 कैंसिल। अब यहाँ देखिए, 5 से हमारा 100 से 5 डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे। हमने पॉइंट यहाँ लगा दिया, एक ज़ीरो हम यहाँ लिख देंगे। अगर हमें दूसरा भी ज़ीरो अगर लगाना है, तो हमें एक ज़ीरो पहले यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर हम सेकंड ज़ीरो लगा सकते हैं यहाँ पर। तो 105 ज़ा 500। अब देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, 2.5 रुपीज़, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 1275 पैसे। इसे भी हमें कन्वर्ट करना है। 1275 पैसे को 100 से हम डिवाइड करेंगे, 100 × 1 = 100, 7 − 0 = 7, 2 − 0 = 2, 1 1 कैंसिल हो गया, 5 यहाँ नीचे आपने नोट डाउन किया, 100 2 ज़ा 200, −5 − 0 = 5, 7 − 0 = 7, 2 2 कैंसिल। अब देखिए, 75 हमारा कम है, 100 हमारा ज़्यादा है, तो 75 जो है 100 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ भी एक ज़ीरो नोट कर लिया हमने। तो 107 ज़ा 700, माइनस किया हमने, 0 5 7 7 कैंसिल। अब देखिए, हमने पॉइंट लगाया है, तो हम यहाँ एक ज़ीरो लिख सकते हैं। तो 105 ज़ा 500 हमने माइनस किया, आंसर क्या आया, 12.75 रुपीज़।
देन क्वेश्चन नंबर फोर देखिए 85 पैसे। अब 85 पैसे को हमें कन्वर्ट करना है, तो हम 85 पैसे को कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए 85 कम है तो 100 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ पहले पॉइंट, हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया तो यहाँ हम ज़ीरो नोट कर लेंगे। तो 100 8 ज़ा 800, हमने माइनस किया 0 5 8 8 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ 50 है, 50 हमारा कम है 100 से, तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ जो है एक ज़ीरो ऐड कर देंगे, लगा देंगे। हमने यहाँ पॉइंट लगा है इसलिए एक ज़ीरो यहाँ लगा सकते हैं, तो 105 ज़ा 500, तो इस तरह से हमारा आया 0.85 रुपीज़। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 25 पैसे, इसे भी हमें कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, तो हम इसको देखिए 25 को हम 100 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 25 हमारा लेस है तो हम एक यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो एक ज़ीरो यहाँ नोट किया हमने, 100 2 ज़ा 200 माइनस 0 5 2 टू कैंसिल। अब हमने यहाँ पॉइंट लगा है इसलिए हमें एक ज़ीरो नोट कर सकते हैं, तो 105 ज़ा 500, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आया, 0.25 रुपीज़।